2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है। उससे पहले देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। वहीं इस सेमीफिनाले और फाइनल को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। इसी को लेकर जहां आज पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, वहीं राहुल गांधी भी अपने चुनाव प्रचार में पीछे नहीं रहे। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल से लेकर राजस्थान के जयपुर में जनसभा को संबोधित किया, वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने भी छत्तीसगढ़ में जन संबोधन किया। जहां एक तरफ नेताओं के लिए ये चुनाव सियासी घमासान है, वहीं दूसरी तरफ ये चुनाव जनता के लिए भी अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि आखिरकार जनता ही जनार्दन है और जिसे जनता चुनेगी वो ही सत्ता पर काबिज होगा। और ये बात खुद पीएम मोदी भी भली भांति जानते हैं। तभी तो 6 महीने के अंदर पीएम मोदी का ये भोपाल में 7वां दौरा था। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी अपनी जीत के दुर्ग यानी छत्तीसगढ़ में मौजूद थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। आज भोपाल के जमुनी मैदान में हजारों की संख्या में जनता जुटी। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने मौके को देखते हुए अपने विरोधियों को आड़े हाथ लिया। मंच से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर पंच प्रहार किया, जहां पीएम मोदी ने कांग्रेस को विकास विरोधी बताया, गरीब विरोधी बताया, महिला विरोधी बताया, सनातन विरोधी बताया। इसके साथ ही कांग्रेस को भ्रष्ट और परिवारवाद भी बताया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कुनीति कुशासन और करप्शन का भी आरोप लगाते हुए दो प्रकार के वोटरों को भेदने की कोशिश की। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के युवा वोटरों को साधने की कोशिश की जो पहली बार अपने राज्य की किस्मत बदलने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिला वोटरों की बात करें तो ये वो हैं जिनकी भूमिका और योगदान इस चुनावी घमासान में बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। हम देखते हैं कि कुछ समय से कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है। नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। जहां एक तरफ हर जगह महिलाएं पीएम मोदी को संसद से महिला आरक्षण बिल पास करवाने के लिए अभिनंदन कर रही हैं, वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी किसी मजबूत वोट बैंक पर पूरी पकड़ चाहती है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 5,39,00,000 में 2,60,00,000 महिला वोटर हैं। 5 विधानसभाओं में महिला मतदान प्रभावी हैं। इसके साथ ही 18 सीटों पर पुरुष से अधिक महिला मतदाता हैं। अगर बात की जाए महिला मतदान प्रतिशत की, 2013 में मध्य प्रदेश में 70% महिलाएं वोटर थी, तो वहीं 2018 में 74% महिला मतदाता वोटर्स हैं। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सिर्फ एक साल में महिलाओं के लिए कुल 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं लागू कर चुकी है, जिसमें लाडली बहना से लेकर लाडली लक्ष्मी योजना तक शामिल है। इसके साथ ही बीजेपी की नजर मध्य प्रदेश में इस बार 15,00,000 नए वोटरों पर भी है, जिसमें 12,00,000 से ज्यादा वोटर पहली बार वोट डालेंगे। जहां एक तरफ बीजेपी विकास और डबल इंजन सरकार की कामयाबी के गुण गा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने ओबीसी और जाति जनगणना का मुद्दा उठा लिया है। नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो, जो आपकी सरकार की सच्चाई है आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो, डरो मत। मगर नहीं, उनके मंत्री कहते हैं हमारे ओबीसी के विधायक हैं, ओबीसी के सांसद हैं और उन्हीं सांसदों से आप लोकसभा में बात करो, वो आपसे कहते हैं कि भैया देखो
हमारे से कोई कुछ पूछता नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते, हमें तो यहां मूर्ति जैसे रखा हुआ है। असली निर्णय हिंदुस्तान के सेक्रेटरी लेते हैं, ब्यूरोक्रेट लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस हर राज्य में इस बात पर भी दावा कर रही है कि जीत के बाद वो जनता को जातीय जनगणना का लाभ देगी। इसके साथ ही कांग्रेस हर राज्य में इस बात का भी दावा कर रही है कि जीत के बाद जातीय जनगणना का लाभ देगी। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर जनता किसके सर पर ताज पहनाती है।